आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर राजनीतिक हमले तेज कर दिए हैं। शनिवार को इंदौर पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति प्रमुख ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा पर चुटकी ली। सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियों के रेप हो रहे हैं, किसान परेशान है, भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसे में मुख्यमंत्री को जन आशीर्वाद नहीं क्षमावाणी यात्रा निकालनी चाहिए। राहुल के संसद में आंख मारने वाले सवाल पर कहा कि विपक्षी जबरन इसे मुद्दा बना रहे हैं। देश प्रदेश में कई मुद्दे हैं, इन पर चिंता करने की बजाय हम आंख मारने के मुद्दे पर अटके हैं। कांग्रेस अब फील्ड पर होगी। जो वर्तमान की हालत मध्य प्रदेश की है, जहां एक तरफ किसान त्रस्त है, महिलाओं के ऊपर एक के ऊपर एक बलात्कार की श्रृंखला निकल रही है, नौजवान बेरोजगार है, दलित और आदिवासी उत्पीड़न की घटनाएं एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं, हमारी नदियों को खोदा जा रहा है, भ्रष्टाचार का आलम प्रादेशिक स्तर पर मंडरा रहा है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। मैं तो ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा नहीं लेकिन एक क्षमावाणी की याचना यात्रा मुख्यमंत्री जी को निकालनी चाहिए। जहां एक तरफ महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार की गुहार निकल रही है, अब महिलाओं को छोड़कर हमारे नाबालिग बच्चों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। ग्वालियर में 6 साल की बच्ची, सतना में 8 साल की बच्ची, मंदसौर में 8 साल की बच्ची, सतना की घटना, जबलपुर की घटना, अभी पिछले दिनों में इंदौर देवास की जो घटना हमने सुनी है, जहां एक ही बच्ची को 3 दिन लॉक करके अलग अलग तरीके से लोगों ने बलात्कार किया, क्या यह है बेटी बचाओ और लाडली लक्ष्मी? देश में तो स्थिति उत्पन्न हो चुकी है जहां भाजपा के विधायकों को बेटियों से बचाना होगा हमको। रेसिडेंसी कोठी पर चर्चा में सिंधिया ने कहा कि आगामी 1.5 महीने में हमें किस प्रकार से काम करना है, इसका कार्य योजना हमने तय कर ली है। 10 संभागों का दौरा खत्म होते ही प्रादेशिक संगठन ब्लॉक और जमीनी स्तर पर कैंपेन शुरू कर दिया जाएगा। कांग्रेस अब फील्ड पर होगी और समन्वय के साथ उतरेगी। चुनाव के 2 महीने पहले 40 से 50 प्रत्याशियों का नाम बता दिया जाएगा, इसके बाद बचे हुए प्रत्याशियों का नाम 1 महीने पहले बताया जाएगा। सिंधिया ने कहा कि प्रदेश की हालत खराब है, आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही है, किसान परेशान है, भ्रष्टाचार तो बड़े स्तर पर हो रहा है। ऐसे में सीएम को जन आशीर्वाद नहीं क्षमावाणी यात्रा निकालनी चाहिए। सिंधिया ने सवाल किया कि मासूमों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, क्या ये बेटी बचाओ अभियान है? अब तो भाजपा के विधायकों से बच्चियों को बचाना होगा। एक विधायक मंदसौर रेप में MY पहुंचे सांसद को पीड़ित परिवार से धन्यवाद दिलवा रहे हैं, जबकि एक भी पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री मिलने नहीं गए। कठुआ की घटना, उन्नाव की घटना, जहां एक तरफ भाजपा के मंत्री सड़क पे आ रहे हैं बलात्कारी के पक्ष में और दूसरे तरफ स्वयं भाजपा का विधायक बलात्कारी हो, और जो मंदसौर की घटना हुई जिसमें भाजपा के सांसद विधायक के साथ माता पिता को मिलने गए और विधायक कहते हैं भाजपा के विधायक माता पिता को कि इनको धन्यवाद अर्पित करो सांसद महोदय को कि आपसे मिलने के लिए आए हैं, क्या यह है भाजपा की संवेदनशीलता? आज तक मुख्यमंत्री एक भी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गए। किसानों के ऊपर केरोसिन डालकर उनको जिंदा जलाया जाता है बेरसिया में भोपाल के करीब, अपनी पत्नी के सामने
भाजपा के कथित नेतागण के द्वारा और मुख्यमंत्री जी का नामो निशान नहीं। जो ये स्थिति महिलाओं के साथ मध्य प्रदेश में है, वही स्थिति आज किसानों के साथ मध्य प्रदेश में। सिंधिया ने कहा कि किसान कर्ज के पोच तले दबकर जान देने को मजबूर है। पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं, बेरोजगार के पास कोई काम नहीं है, लेकिन प्रजातंत्र में किसी के आंख मारने को मुद्दा बनाया जा रहा है। इसे विपक्षी जबरन मुद्दा बना रहे हैं। पहले तो मुख्यमंत्री प्रदेश के हित की बात करते हुए धरने पर बैठने दिल्ली चले जाते थे, मोदी सरकार आने के बाद अब क्या हुआ? ये कौन सा अर्थशास्त्र है? मोदी जी कहते थे कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे, पर 15 लाख करोड़ तो कुछ लोग आमजन के खाते से उड़ा ले गए। कर्ज के बोझ में डूब रहा है किसान और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऋण माफी योजना की जरूरत नहीं। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। एक समय होता था जब मुख्यमंत्री दिल्ली जाते थे मंत्रिमंडल के साथ धरना देने के लिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में। उस समय कच्चे तेल का दाम था अंतर्राष्ट्रीय जगत में $120 प्रति बैरल, भारत में पेट्रोल और डीजल का दाम था 55 और 65 रुपए, डीजल का 55 से 60 और पेट्रोल का 65 रुपए। आज जब तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय जगत में $75 प्रति बैरल आ गया, मतलब 30% घट गया, पेट्रोल और डीजल का दाम भारत में 30% बढ़ रहा है। आज पेट्रोल 81 रुपए, डीजल 72 रुपए, 71 रुपए, कौन सा अर्थशास्त्र है मुझे समझ में नहीं आता। अर्थशास्त्र यह है कि जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पर 3.68 रुपए होती थी, आज वो एक्साइज ड्यूटी 15.5 रुपए हो चुकी है, 471% वृद्धि। और वैसे ही पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी की वृद्धि 221% वृद्धि। सिंधिया ने कहा कि मेरी विचारधारा स्पष्ट है, मेरा मानना है कि वर्तमान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, इसे दुरुस्त करना हमारी प्राथमिकता होगी। ऐसी घटनाओं पर रोक लगाना बहुत जरूरी है, साथ ही पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई को लेकर समय सीमा और जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है। खंडवा इंदौर रेल लाइन, दाहोद इंदौर रेल लाइन पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ। नर्मदा मैया में अवैध उत्खनन चरम पर है, इसके लिए शिवराज सरकार क्या कर रही है, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। इंदौर की हम बात करें तो राशन नहीं मिल रहा पूरे संभाग में। ये जो बायोमेट्रिक की नई सुविधा है जो कहते हैं इन्होंने शुरू की, कॉलोनियों का मुद्दा है शहर में। नेपाल लिमिटेड के लिए पैकेज हमने बनवाया था बुरहानपुर और खंडवा निमाड़ में, आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ है। हमारे भूरिया जी के क्षेत्र में जो रेल लिंक की बात की गई थी, खंडवा इंदौर रेल लाइन की, आज तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। दाहोद इंदौर का भी कोई कार्य नहीं हुआ है। मां ताप्ती को रोज खोदा जा रहा है। मैंने तो ये कल्पना नहीं की है कि नर्मदा मैया में 2 किलोमीटर का सड़क बनाया गया है अवैध रेत उत्खनन के लिए, और ये वृक्षारोपण की बात करते हैं। ई टेंडरिंग का स्कैम हुआ है, सिंहस्थ में भ्रष्टाचार हुआ है। आज समय आ चुका है शिवराज सिंह जी को मध्य प्रदेश की जनता को जवाब देने के लिए। हिसाब देना होगा और जवाब देना होगा। ये छल कपट, ये कलाकारी की राजनीति की समाप्ति अब होनी होगी। आजादी के बाद राजा महाराजा का दौर समाप्त हो गया है। मैं सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया हूँ, मेरे कार्य के आधार पर लोग तय करें। मेरी दादी जब भाजपा में थी तो राजा महाराजा का मुद्दा क्यों नहीं सामने आया? इस मामले में मेरी बुआ से पहले बात करें। शिवराज की सुन ले, शिवराज जी सुन ले, आप पिछड़े नहीं हैं, आप दलित नहीं हैं, आप मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, और मुख्यमंत्री की कोई जाति नहीं होती। मुझे बेहद आश्चर्य है, पहला भाग जहां वो कहते हैं कि
राजा महाराजा को इतराज है, मैं उनसे पूछता हूं कि शायद वो थोड़े कंफ्यूज हैं, पहले ये स्पष्ट कर दें कि राजा महाराजा हैं या नहीं है। कभी तो राजा महाराजा नहीं है करके कटाक्ष करते हैं, कभी तो हैं। मैं तो ये मानता हूं कि आजादी के बाद राजा महाराजा का समय खत्म हो गया, मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है, मेरे काम मेरे परिश्रम के आधार पर या तो आप मुझे मानो या तो आप मुझे नकारो। तो चट भी मेरी और पट भी मेरी नहीं चलने वाली। और अगर राजा महाराजाओं का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों 30 साल पूर्व जब भाजपा के कार्यकर्ता मेरे आदरणीय शिवराज सिंह जी थे, तब क्यों नहीं यही राजा महाराजा और राजमाता का शब्द मेरी दादी के विरुद्ध क्यों नहीं प्रयोग किया? तब उनको कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन आज 35 वर्ष बाद उनको कठिनाई है, जब ये सब इतने सालों साल समाप्त भी हो चुका। और अभी भी देरी नहीं है, मेरे आदरणीय शिवराज सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा, कृपा करके मेरी आदरणीय बुआ महारानी धौलपुर वसुंधरा राजे जी से बात करें, और अगर वहां उनको संतुष्टि न मिले तो मेरी दूसरी बुआ जो उनके कैबिनेट की सदस्य हैं श्रीमंत यशोधरा राजे जी, उनसे भी बात करें। पहला भाग। दूसरा भाग, उन्होंने वक्तव्य दिया कि मैं पिछड़ा हूं। शिवराज सिंह जी सुन लीजिए, आप पिछड़े वर्ग के नहीं हैं, आप दलित समाज के नहीं हैं, आप आदिवासी समाज के नहीं हैं, आप स्वर्ण समाज के नहीं हैं, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, और मुख्यमंत्री की कोई जाति नहीं होती, मुख्यमंत्री का कोई धर्म नहीं होता, मुख्यमंत्री 7.5 करोड़ जनता का प्रतिनिधि होता है। जो आपने मुझे अभी सूचित किया कि भिंड में कोई घटना हुई है, राजनीतिक दलों राजनीतिक द्वेष भावना से मैं ये कमेंट ये टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हर राजनीतिक दल अपने रैली सभाओं के दौरान प्राथमिकता सदैव जनता को मिलनी चाहिए। अगर ऐसी घटना घटी है तो ये बहुत दुखद घटना है, परिजनों को मेरी संवेदना है, और मैं चाहूँगा कि अगर इसके जिम्मेदार शिवराज सिंह जी की जन आशीर्वाद यात्रा रही है तो कम से कम शिवराज सिंह जी उस घर और उन परिजनों के बीच में जाएं, उनके दुख बांटने के लिए और उनसे माफ़ी मांगने के लिए। आप परिवर्तन देखोगे हर समाज में, हर वर्ग में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आज मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। आज मध्य प्रदेश की जनता अपना भविष्य का निर्माण उन हाथों में देना चाहती है जो वास्तविक तौर पर भाषणबाजी कम, घोषणाएं कम और काम ज्यादा करके दिखाए। ये झूठ बोलना भाजपा की आदत है। वो पहले तो उस वीडियो में मेरे साथ कौन है? मेरे आदरणीय मेरे राम सिंह जी यादव हैं, मेरे कोलारस के पूर्व विधायक, जिस दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, और जरूर मैंने उनका हाथ पकड़ा, जरूर मैंने उनको मंच से उतारा, क्योंकि 103 बुखार के साथ भी वो जिद कर रहे थे कि राजनीतिक कार्यक्रम में आएंगे। उनकी बेटी मेरे पास खड़ी थी, मैंने कहा नहीं, आप घर जाएंगे और आप आराम करेंगे, और भाजपा ने उसको तोड़ मरोड़ के राम सिंह जी को एक उमेश कुमार शर्मा जी का नाम दे दिया और ये कह दिया कि ब्राह्मणों के ऊपर प्रहार सिंधिया जी कर रहे हैं। इतनी सफेद झूठ अगर भाजपा कह सकती है तो फिर
मैं जानता हूं कि प्रदेश की जनता उनको ही धकेल कर जमीन पर लाएगी। बहरहाल राजनीति के दिग्गज चाहे कुछ भी प्लानिंग करे, जवाब तो जनता ही देगी और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या भाजपा की 15 वर्षीय सरकार पुनः जीत पाएगी जनता का दिल या फिर चलेगी प्रदेश में परिवर्तन की लहर है।